महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होगा। दो सप्ताह तक चलने वाले इस सत्र में 10 दिन ही सदन की कार्यवाही हो पाएगी, जबकि विपक्ष नेता इस सत्र को 4 सप्ताह चलाने की मांग की थी। संकेत दिए हैं कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को हर मुद्दे पर घेरा जाएगा। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार कहते हैं कि सदन में सरकार को घेरने के लिए हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। बेरोजगारी, किसान, आरोग्य सेवा जैसे मुद्दों पर जवाब देने के लिए हम सरकार को मजबूर कर देंगे। विपक्ष का काम केवल हंगामा करना नहीं बल्कि जनता के हितों के प्रश्नों को न्याय दिलाना है। परिषदेला उपस्थित सर्व महाविकास आघाडीचे सर्व मान्यवर नेते, उपस्थित पत्रकार मित्रो, विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून विदर्भाच्या भूमीमध्ये नागपूरला सुरू होत आहे। या उपराजधानीमध्ये होणारे हिवाळी अधिवेशन आणि आज त्याच्या पूर्वसंध्येला आज महामानव परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन, मी सर्वप्रथम बाबासाहेबांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन करतो। आज अधिवेशनासाठी संपूर्ण विधिमंडळ आणि मंत्रिमंडळ नागपुरात आलेलं आहे। सर्व दोन्ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष या ठिकाणी उपस्थित आहे। खरं तर पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून या महाराष्ट्राची ओळख आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये पक्ष फोडून 3 वेगवेगळ्या दिशेचं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये सत्तेमध्ये आलेलं आहे। पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त दंगली कुठे झाल्या असतील तर त्या महाराष्ट्रातील महाराष्ट्रामध्ये झाल्यात आणि 2022 दंगलीच्या तब्बल 8218 प्रकरणाची नोंद महाराष्ट्रामध्ये झालेली आहे। ही त्या वर्षातील सर्वाधिक नोंद असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गृहमंत्रालयाची माहिती आहे। महायुती सरकार आल्यानंतर राज्यात काय वाढलं असेल तर दंगली आणि बलात्कारांच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याची आपल्या सगळ्यांना लक्षात येईल। आता तर नागपूरमध्ये ज्या उपराजधानीमध्ये हे अधिवेशन होते आहे या उपराजधानीमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा संपूर्ण बट्ट्याबोळ झालेला आहे। ही संत्रा नगरी म्हणून नागपूरची ओळख होती, आता नागपूरची ओळख हळूहळू चोरांची नगरी म्हणून म्हणावं काय अशा प्रकारची स्थिती राज्यामध्ये या नागपूर शहरामध्ये सुरू आहे। दररोज साधारणतः 112 घरपोळ्यांच्या घटना विदर्भासह नागपूरमध्ये होत आहे। याचाच अर्थ या राज्याची हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यामध्ये शांतता भंग मोठ्या प्रमाणात होत आहे असं एकूण दिसतंय। जर महाराष्ट्राची ही ओळख असेल तर मग राज्यात गुंतवणूक कशी येईल? ज्या राज्यामध्ये दंगलीचं राज्य, ज्या राज्यामध्ये चोरांचं राज्य, ज्या राज्यामध्ये सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं राज्य, ज्या राज्यामध्ये समाजामध्ये धर्माधर्मामध्ये तेढ निर्माण करणारं राज्य म्हणून जर या राज्याची ओळख सत्ताधारी निर्माण करत असतील तर त्याचा निश्चितपणे गुंतवणुकीवर मोठा परिणाम झालेला आहे आणि होत आहे, हे इथे खेदानं सांगावं लागेल। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से कम नागपुर के सड़कों पर 11,000 पुलिसकर्मी, 30 बम दस्ते और राज्य रिजर्व पुलिस बल यानी SRPF की 10 कंपनियां समेत अन्य सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति बनाने के लिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। पुलिस प्रमुख ने कहा कि अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सशस्त्र पुलिसकर्मियों को विधान भवन के आसपास से तैनात किया गया। नागपुर में असेंबली सेशन के लिए पूरी तरीके से बंदोबस्त की विस्तृत उपाय योजना की गई है। VIP सिक्योरिटी हो, विधान भवन का सुरक्षा या जहां पे रहने की ठिकान हो,
सभी प्रकार के सभी विषयों पे पूरी तरीके से नियोजन करके बंदोबस्त डिप्लॉय किया गया है। एक टोटल अंदाजन 11,000 पुलिस अधिकारी कर्मचारी इस बंदोबस्त में रहेंगे। इसमें से 4,000 से 5,000 हमारे स्थानिक अधिकारी कर्मचारी हैं, बाकी बाहर जिले से आए हुए अधिकारी कर्मचारी हैं। उनके कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके आरोग्य हेल्थ की इश्यूज सभी का नियोजन किया गया है। वीआईपी सिक्योरिटी हो, रोड मूवमेंट हो, रहने की ठिकान हो, मोर्चा हो, सभी के लिए बंदोबस्त लगाया गया है। मोर्चा स्टार्टिंग पॉइंट्स पे, मोर्चा स्टॉपिंग पॉइंट्स पे पूरी तरीके से नियोजन की गई है। वाहतुक के विषय में मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा, धीरेन कन्या स्कूल के पास जो 23 सितंबर को जो एक फ्लड की सिचुएशन निर्माण हुई थी, उसकी वजह से जो पुल कोलैप्स हुआ है और कुछ और कैनाल रोड पे की कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क, डेवलपमेंट वर्क और कहीं कहीं रिपेयर वर्क्स के वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन हमने लोगों के लिए अल्टरनेट रूट्स की नियोजन की है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को नॉर्थ नागपुर से या मानकापुर, गिट्टी खदान, काटोल रोड इस तरफ से उनको वर्धा की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ जाना है, तो आरबीआई चौक से अगर वो लेफ्ट टर्न लेके मोहिनी कॉम्प्लेक्स और वहाँ से जयस्तम चौक से राइट टर्न लेके मानस चौक, बुंजे चौक, मेहाडिया चौक और वहाँ से राहटे कॉलोनी होकर के अगर एयरपोर्ट की तरफ जाएं, तो ये रास्ता हम ज़्यादा से ज़्यादा डीकंजेस्ट करके रखने की हमारी प्रयत्न है। इसी प्रकार से हर जगह के लिए हम अल्टरनेट रूट्स दे रहे हैं। हम एडवाइजरीज सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस के माध्यम से हम ज़रूर लोगों को बताते रहेंगे, बट ये टोटली मैं बताऊँगा कि सभी प्रकार के इश्यूज़ को हम एंटिसिपेट हमने किया है और उसको ध्यान में रखते हुए बंदोबस्त का नियोजन किया गया है। मोर्चाज अभी तक टोटल 48 परमिशंस के फॉर्मल एप्लीकेशंस हमारे पास प्राप्त हुए हैं। 70 से 75 और एप्लीकेशंस प्राप्त होने की चांसेस हैं। जो भी मोर्चाज हैं उनको परमिशन दी जा रही है, लेकिन योग्य कंडीशंस और रूट्स का उनके साथ चर्चा करके उसकी नियोजन की जा रही है। मुझे विश्वास है कि पूरा असेंबली सेशन का जो हमारा बंदोबस्त है ये शांति से और अच्छे तरीके से होगा, ऐसा किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन सर्टेनली असेंबली सेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है नागपुर का, बहुत सारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ रहने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की आपत्तिजनक घटना न हो इसके लिए प्रतिबंधक उपाय योजना की जा रही है, और अगर कोई आपत्तिजनक घटना होती है तो उसको हैंडल करने के लिए, उसको इमीडिएटली न्यूट्रलाइज करने के लिए शहर पुलिस दल पूरी तरीके से सुसज्ज और तैयार है। नागपुर जिले में 5 से 7 दिसंबर के बीच बारिश होने की संभावना है और ऐसा चक्रवात मिचुम के भूकंसन के कारण होगा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग नागपुर के एक वरिष्ठ मौसम विज्ञानी ने दावा किया कि इस अवधि के दौरान पूरे विदर्भ में बादल छाए रहेंगे और पूर्वी विदर्भ में एक या दो स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार नागपुर शहर में 5 से 7 दिसंबर को बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। अभी एक साइक्लोन जो तमिलनाडु में चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर है, मिंगचुंग नाम से, तो वो साइक्लोन जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करेगा आगे 24 आवर्स में, और मछलीपट्टनम के पास में आंध्रा कोस्ट को जो है ये क्रॉस करेगा। उसके बाद में थोड़ा नॉर्थवर्ड मूव उड़ीसा तक करेगा और उसके बाद में रिकर्व होकर ये वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश की तरफ जाएगा, ये मॉडल्स के जो है प्रेडिक्शन है। तो ये चूंकि अंदर सेंट्रल इंडिया की तरफ नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इतना ज़रूर है कि इसके कारण क्लाउडीनेस और बारिश जो है उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है विदर्भ में, और ये ज़्यादा इफेक्ट जो है 5, 6 और 7 को विदर्भ में रहेगा, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट 6 तारीख को रहेगा। तो हमारे यहाँ पे चूंकि ये सिस्टम रिकर्व हो रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट थोड़ा सा क्लाउडीनेस और रेनफॉल इसके रूप में रहेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज और राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।